पर जो काम पहले हमारे दांगी ने किए थे ना वो काम 5 साल से नहीं हो रहे। क्या काम होने चाहिए थे? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ना कोई खेल का मैदान, ना बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था। पहले हर गलियां पक्की होया करती, अब नहीं। अब दांगी साहब के नुहना दांगी साहब आ जाएंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। पिछले सीटिंग ना 15 कुंडू ने कुछ भी कर नहीं, नहीं हो तो धोखेबाज है, कब है कि मैं हर करे कि मैं। और अब की बार हम बलराम दांगी को ही वोट देंगे। तो जहर पिए पानी का, पानी जहर आवा है, एक भी ना जहर पानी आवा है। ये नलके फूटे पड़े है, कति गंदा पानी आवा। हाँ ये कितने भी क्या इतना बूढ़ा पानी आओ था जमा गोबर कर मोदी पर ना क्या कर दिया बरन मट्टी हो रही है सारा गाल फूटे पड़ी से बरन मट्टी हो रही है कितना तो ठंड ठंड पानी जावा सा है कैसो बदा बनाई गाला की कुछ नहीं कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं बरन मट्टी हो रही बतेरी। तो कौन काम कर सकेगा फिर? दांगी करेगा, करेंगे। हाँ अच्छा, और पिछले आशा करते हैं। देखो बलराम दांगी बन जाए, क्योंकि जब दांगी साहब पहले बने थे ना बहुत ही रोजगार दिए थे, बीजेपी सरकार में कोई तो रोजगार नहीं मिला किसी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के महम हलके के भैणी महाराजपुर गांव में। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनाव को लेकर गांव में जानेंगे यहां पर लोगों से कि इनके बीच में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किस तरह की मतलब विचार बने हुए हैं, कि क्या अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कौन यहाँ से उम्मीदवार है जो अच्छा मजबूत दावेदार है और क्यों है, और पिछले 5 सालों में पिछले विधायक ने क्या काम किए, सबका रिपोर्ट कार्ड लेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। राम राम भाई। राम राम बेबी, ठीक हो? ठीक है। हम क्या लग रहा है आपकी बारे यहाँ पे चुनाव को लेकर? ठीक लग गए हमने तो। अच्छा, काम कुम हुए हैं यहाँ पे? लग रहे हैं करण जी। राम राम, क्या नाम है आपका? रेणु। क्या लग रहा है आपकी बार गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव के लेकर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, पर दो तरफा है। अच्छा, ठीक है। पर जो काम पहले हमारे दांगी ने किए थे ना वो काम 5 साल से नहीं हो रहे। अच्छा, क्या काम होने चाहिए थे? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ना कोई खेल का मैदान, ना बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था। पहले हर गलियां पक्की हुआ करती, अब नहीं है। 5 साल से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, तो अब की बार क्या लग रहा है? बलराम दांगी का माहौल है यहाँ पर तो। अच्छा, बलराम दांगी का। हाँ, और उसी को वोट देंगे। हाँ ताई, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो सारी है, कोई सुविधा नहीं जी अड़े। पिछले 5 साल में कोई सुविधा नहीं जी है 5 साल में। हाँ, ना कोई पानी की, ना कोई बिजली की। एक ये मील है, शुगर मील है, इसकी राख सारी आव है। लत्ते भी नहीं बाहर सुखा सकते। एक बंदरों की प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ, दांगी साहब के नुहना दांगी साहब आ जाएंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तो पिछले सीटिंग एमएलए थे बलराज कुंडू ने ना, बलराज कुंडू ने कुछ भी कर लोग तो बोल रहे कि उन्होंने मतलब नहीं, नहीं हो तो धोखेबाज है, कब है कि मैं हर करे कि मैं है। क्या क्या और क्या नहीं किया? हाँ, कुछ भी नहीं किया बलराम कुंडू ने, तो कुछ भी नहीं किया है। तो दांगी से उम्मीद है? हाँ, दांगी से उम्मीद है। पहले भी दांगी से उम्मीद थी, हमारे नौकरी बच्चे बहुत लगे हुए हैं। उसे ने कराया था पहला काम है, जब पाचत कोई काम में नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जो काम करा था दांगी साहब ने करे थे, उसके बाद कुंडू साहब ने कोई काम नहीं करा, एक भी काम गिना दो कितने करा हो तो, कोई काम नहीं करा इनने। और अब की बार हम बलराम दांगी को ही वोट देंगे। बेटी सब पानी की सब क्या है कि समस्या है, इसने कुछ काम नहीं करा है। अच्छा। कुंडू ने करा उनको, इसने केस आई मोदी ने करा, दांगी साहब ने करा था हमारा था। अच्छा। अरे भी हम तो उससे की देंगे रूसन चाह। अच्छा, हाँ मतलब दांगी को वोट दोगे आप? हाँ, दांगी को वोट देंगे, बलराम को वोट। अच्छा, बलराम। और जो पिछला एमएलए था उसने कुछ नहीं किया? ना कुछ नहीं करा बेटा। अच्छा, हाँ, मेन पानी की दिक्कत है? हाँ, पानी की भी दिक्कत है, और बंदरा की भी, पढ़ाई की, बाकी सब क्या है की दिक्कत, नर का दिक्कत है, पीने का पानी सही नहीं मारा। भाजपा सरकार तो बोलती है उन्होंने तो काफी सुविधाएं दी, पानी दिया ना? नहीं दिया, जहर पिए पानी का, पानी जहर आवा है, एक भी ना जहर पानी आवा है। ये नलके फूटे पड़े है, कति गंदा पानी आवा। अच्छा, हाँ, ये कितने भी नहीं समरवा रहा क्या, इतना बूढ़ा पानी आओ सर जमा खूब। क्या लग रहा है आपकी बारे?
के लाग रहा पहली बात तो यह है बेटी कहीं बांदरा न पकड़वा दो ना यो दो खोरा मेरी तो बहु पैड रखी है हाँ रोतक लग जाया बांदरों से परेशान हो हाँ मेरी बहु पैड रखी रोतक लग जाया सुई कौन लग गया बेटी क्या बात है हम गरीब सा तो क्या नू हाँ किसी से शिकायत हमारे बाल अंदर ज्यादा हो गए कित करा दे रहा था कौन नू बता पिछले पांच साल में कोई काम को हुए अरे पानी बेसर बेटी चार चार पांच पांच दिन हो जाए लड़के आयो सर दो फेरी बाट देखा अच्छा पानी नहीं आता चार पानी नहीं तो फिर काम कैसे करती हो गाल फिर काम कैसे करते हो अरे बेटी क्या कहते साय मरा अपना कितना दूर दूर तो मंगावा हाँ अच्छा किसे किसे पे अच्छा हाँ अभी मतलब जैसे चुनाव आने वाले हैं क्या देख के वोट करोगी काम देख के पार्टी देख के देखो दंगी करेगा तो भाई हम दंगी कमल दंगी बनावांगे अच्छा तो बलराज कुंडू था पिछला एमएलए उसने कुछ नहीं किया क्या कर रखा बेटा लोग तो बोलते उसने तो काफी काम करा है महल के में कुछ नहीं करा बेटी मारा तो इबला के मैं ना करा कुछ नहीं करा ना भी जो जानेंगे जो मेरा तो बेटा लायक जाएगा अच्छा दांगी से उम्मीद है कर देगा काम हां हम ये तो सही बेटी ना करेगा ही ना जाड़ पे छोड़ के छोड़ देंगे अच्छा ताऊ को तो नहीं छोड़ दोगी ताऊ तक गया चले गए ताऊ तक गया अच्छा मोदी ने क्या गोबर करया सा मोदी पर नाराज दिख रही हो मोदी से क्या कर दिया ना क्या कर दिया बरन मट्टी हो रही सा सरद गाल फूटी पड़ी सा अच्छा बरन मट्टी हो रही सा कितना तो ठंड ठंड पानी लावा सा है कैसे बदला बनाई गाला की कुछ नहीं कुछ नहीं है नहीं कुछ नहीं प्लान में टीओरी बतेरी अच्छा तो कौन काम कर सकेगा फिर कौन काम करेगा हल्के बांगी करेगा करेंगे हाँ अच्छा और पिछले पांच सालों की बात करें कुछ तो हुआ होगा हाँ बतेरा हो गया रुपया ना चाहिए सारा सब बद्या होनी चाहिए सारी बात ना की अच्छा रोड फूटा पड़ा दो बता रोड का क्या सोचते क्या रोड की दिक्कत हाँ हाँ पानी की दिक्कत है और कोई बांगे बनाओ बन जाएगा सुविधा वगैरह योजनाएं वगैरह इतनी निकाल रखी है कोई इसी का लाभ मिला है क्या ना कुछ नहीं कुछ नहीं मैं जा हमने अच्छा और दंगे बन जाते हम बांटते खा हाँ जाट भाई से बन जाएगा तो ठीक हाँ राम राम जी सभी दर्शकों को क्या माहौल है गांव में अभी चुनाव को लेके चुनाव में माहौल जी अभी तो दोनों तरफ है बलराज कुंडू का भी है और दंगी साहब का भी है क्या लग रहा है कौन है मजबूत कैंडिडेट देखो वो तो बाद में कौन कैंडिडेट बीजेपी उतारती है कौन और अलग कैंडिडेट आता है कांग्रेस की तरफ से भी अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई बलराम दांगी कन्फर्म है टिकट अच्छा। लेकिन ये पता तो नहीं कि कन्फर्म है कि नहीं अच्छा। और काम की बात करें पिछले पाँच सालों के देखो ऐसा देखो काम की तो आप बात करोगे ना तो उसमें ना सीधा सा ये आ जाता है कि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं ना उसमें कोई काम नहीं होता अच्छा ठीक है हम तो सीधे हैं ना वोट देते हैं ना बीजेपी के खिलाफ देते हैं मतलब अच्छा। हमें नाराजगी सबसे ज्यादा बीजेपी से है क्यों नाराजगी है आप काम तो बता दो सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया अच्छा। ठीक है दूसरी चीज जो अग्निवीर स्कीम है एक फौज की नौकरी ऐसी थी जो जिसमें जाटों के बालक सबसे ज्यादा कामयाब होते थे अच्छा। मेहनत करके अपने दम पे अब सब तो पढ़ाई में आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते ना वो उसी नौकरी की चार साल की कर दी बीजेपी ने अच्छा रही दूसरी बात हल्के की हल्के में ये देख लो ये बलराज कुंडू एमएलए था एक किस्म से मतलब जगह घुंडन या तो इसका सरकार में था वो काम हो जाते अब ये तो एक किस्म का वैसे न्यूट्रल बिठा रखा था मतलब अच्छा। ना तो इसकी बीजेपी में ना कांग्रेस में इसने सामाजिक रूप से काम कर दिया कि वे लड़कियों के लिए बस चला दी और कर दिया कुछ वो अच्छी बात है देखो वो अपना ये राजनीतिक स्वार्थ से कर रहा है तो फिर अब क्या लग रहा है अब तो देखो भी अच्छा, आने वाले टाइम में पता लगेगा बाकी अभी तक तो बलराज कुंडू की और बलराम दांगी की कड़ी कड़ी टक्कर है और हम तो आशा करते हैं देखो बलराम दांगी बन जाए क्योंकि जब दांगी साहब पहले बने थे ना बहुत ही रोजगार दिए थे बीजेपी सरकार में कोई तो रोजगार नहीं मिला किसी को और दूसरी बात है हमारे आम एम में देख लो पॉलिटेक्निक आईटीआई लड़कियों को कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कराया ठीक है कितनी सुविधाएं अपग्रेड जो करवाई थी दांगी साहब ने करवाई थी ये थे भैनी महाराजपुर के लोग जहाँ पर हमने विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे इनकी राय जानी कि इनके गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह की चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लखनऊ हरियाणा धन्यवाद।